अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। दोस्तों आज हम देखेंगे मेहंदी का कलर डार्क आने के लिए अनदर सीक्रेट टिप। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नेचुरल ऑर्गेनिक ट्रिपल फिल्टर लग्जरी हिना पाउडर 1 स्पून। तो उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 स्पून शुगर, यानी जितना हम हेन्ना की क्वांटिटी लेते हैं उसके हाफ हम शुगर क्वांटिटी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रिपल फिल्टर हेन्ना पाउडर लिया है, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेन करने की या फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए हम इसको स्मूथ पेस्ट बना देंगे। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जोया दीदी हमें ना नीलगिरी ऑयल पसंद नहीं है, हम नीलगिरी ऑयल को ऐड करना नहीं चाहते। तो उसके रिप्लेस में उसके इक्वल का यानी हेन्ना के कलर डार्क लाने के लिए हम क्या ऐड करें। तो आज हम इस हेन्ना रेसिपी में नीलगिरी ऑयल को ऐड नहीं करेंगे, उसके रिप्लेस में हम आज ऐड करेंगे लैवेंडर ऑयल। तो ये है लैवेंडर ऑयल, ये भी मेहंदी के कलर को डार्क लाने के लिए बहुत ही पावरफुल ऑयल है। इसको ना स्पेशली ब्राइडल आर्टिस्ट यानी ब्यूटी पार्लर्स में इसका यूज किया जाता है। तो ये भी ना नेचुरल प्योर लैवेंडर ऑयल का ही यूज करें, जिसमें नो केमिकल्स नो साइड इफेक्ट्स। तो ये ना बस 2 से 3 ड्रॉप ही ऐड करें, क्योंकि हमने हेन्ना की क्वांटिटी बहुत थोड़ी ही ली है, यानी 1 स्पून हेन्ना पाउडर लिया, उसके अंदर 1/2 स्पून शुगर ऐड किया और उसके अंदर का हम बस 2 से 3 ड्रॉप लैवेंडर ऑयल ऐड कर दें। मैंने इतने कम अमाउंट में हेन्ना पाउडर का यूज किया क्योंकि ईद आने वाली है। मेहंदी का कलर डार्क आने के लिए जितने भी सीक्रेट टिप्स रहे वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पेस्ट को ना हम मिनिमम 24 आवर्स के लिए यानी 1 डे के लिए हम इसको अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों चाहे लैवेंडर ऑयल हो चाहे नीलगिरी ऑयल हो, जो भी हेन्ना के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हो, आपको कंफर्म हो के ये प्योर एंड नेचुरल है तभी आप बाई करें, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम्स को मैं भी फेस कर चुकी हूँ। क्योंकि ऐसे ही लोकल में मार्केट्स में अगर कहीं मिल गया तो इतना खुश होती थी कि हाँ ये ऑयल मिल गया, ये ऑयल मिल गया, सब कुछ बाई करके लाती थी पर रिजल्ट नहीं दिखता था। तो आप लोग भी ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर फेस ना करें। तो हेन्ना पेस्ट को अच्छे से सेट होने के लिए हम रूम टेम्परेचर में ही रखना है, इसको फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना है। अगर वेदर कूल रहा यानी मौसम ठंडा रहा तो आप क्या करें, क्लोज रूम्स यानी हीट रूम्स में रखकर सेट होने के लिए रख दें, क्योंकि ये जितनी देर अच्छे से सेट होगा उतनी देर डाई रिलीज कर देगा। तो इस तरह एक रैपिंग कवर की हेल्प से पैक कर दें। अगर आपके पास रैपिंग कवर अवेलेबल ना हो तो बस आप एक प्लास्टिक कवर से भी इसको क्लोज करके पैक कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि हवा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से पेस्ट सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चारों साइडों से अच्छे से क्लोज पैक कर दें। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट डे इसका रिजल्ट। तो एग्जैक्ट ना 24 आवर्स हो गए थे, यस्टरडे मैंने यही टाइम पे इसको प्रिपेयर करके रखा हुआ था। तो देखिए अब मैं निकाल दूंगी ये कवर, ये देखिए सारा डाई रिलीज हो गया है और अच्छे से सेट भी हो गया है। तो देख सकते हैं हम के टेस्टिंग पर्पस ये सेट हुआ या नहीं। तो हम क्या करें, एक स्पून को ना इस तरह चेक करें। तो देखिए जो नीचे वाली मेहंदी का कलर डिफरेंट रहेगा और जो ऊपर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। एक बार इसको अच्छे से फेंट लेंगे फिर हम इसको कोन के अंदर फिल कर देंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए या हेल्पफुल दिखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर अभी नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहंदी के रिलेटेड, नेल्स मेहंदी के रिलेटेड इसी तरह के टिप्स के साथ वीडियोस आप लोगों तक शेयर करते रहूँगी। तो रिजल्ट भी फाइनल में देख लीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ आपकी जोया, अल्लाह हाफिज़।